पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां गुरु नानक हॉस्पिटल में आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी के हालात बन गए और मरीज बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आग लगने की वजह हॉस्पिटल के पीछे ट्रांसफॉर्मर से उठी चिंगारी बताई गई। जानकारी के अनुसार आग इतनी तेजी से भड़की कि किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। मरीजों के बीच चीख पुकार मच गई। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई और आग को बुझाने की कोशिश में जुट गई। हॉस्पिटल के पीछे लगे ट्रांसफॉर्मर में अचानक आग लगने से हादसा विकराल हो गया। पहले एक ट्रांसफॉर्मर में आग लगी, फिर दूसरे और देखते ही देखते आग का धुआं पूरे हॉस्पिटल में फैल गया, जिसके कारण मरीजों में अफरा तफरी मच गई और वो अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर सड़क की तरफ भागे। हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड में बड़ी संख्या में मरीज थे जो बाहर की तरफ भागे और जाकर सड़कों पर लेट गए। मरीजों के मुताबिक आग के धुएं की वजह से उनका सांस लेना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं की और वो खुद ही बाहर निकले और अपनी जान बचाए। दमकल अधिकारी लवप्रीत सिंह ने बताया कि शुरुआत में ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई और तुरंत दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने में लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर हरभजन सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर के विच ट्रांसफार्मर के विच तकनीकी खराबी पैन कारण आग लग गई। कुछ पोर्शन जिहड़ा सीगा गुरु नानक देव हॉस्पिटल का अग की लपेट के विच आ गया। असी मौके पर पहुँच के जायजा लिया, सारे अधिकारी मौके पर ही पहुँच गए, फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई, अग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। अग के कारण की जाँच जी की जा रही है और जोड़े ट्रांसफार्मर से पी एस पी सी एल वालों उन्होंने हदायत की गई ने कि इतने जल्द ही नवे ट्रांसफार्मर जोड़े आ भेजे जा।